हेलो, कैसे हो आप सब? और अम्मा के पापा फोन कर रहे हैं। ऑटो को, क्योंकि हम हेलो। तीनों नहीं जा हाँ, पाएंगे। पिंटू अजय बोलता नहीं? पिंटू अजय बोलता नहीं? एक गाड़ी चलवाओ, रिजर्व पे जाए करो। चलो, अच्छा ठीक। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मेरे को एक वीडियो शूट करना था, इसलिए मैं ये वाली साड़ी मैंने पहनी है और ये वाली ब्लाउज भी मैंने खुद ही स्टिच किया है। इसकी स्टिचिंग और कटिंग भी शेयर करने वाली हूँ शांति की लाइफ स्टाइल पे। तो मैंने वीडियो जो है वो शूट कर लिया, तो मैंने ब्लाउज भी स्टार्ट कर दिया ऐसे, क्योंकि मैं फेस वॉश करने जा रही थी। मेरी आंखों में इन्फेक्शन की वजह से और फेस वैसे होने की वजह से मैं मेकअप ज़्यादा देर तक नहीं रखती हूँ, करती भी नहीं हूँ। मतलब कि थोड़ा सा इसे लगा के कर लिया और तुरंत वॉश करके और तुरंत खाना बनाने जाऊंगी, क्योंकि हमें जाना था गाजीपुर और ऑटो वालों को अरम्या के पापा फ़ोन कर रहे हैं तो बात नहीं बन पा रही, क्योंकि बाइक हमारी गड़बड़ है तो हम जा नहीं सकते हैं। तो एक ही लाइन में पूरी 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 बातें मैं सोच रही हूँ कि कह दूँ, लेकिन मुझे शांत होना पड़ेगा। तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा और मुझे खरीदने हैं जूते, मतलब सर पे खाने वाले नहीं, पैरों में पहनने वाले। और मैं बोल रही थी कि जूते कितने भी महंगे हो, दो ही जगह जाते हैं, या तो पैरों में या तो सर पे। तो मतलब वो डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो अरम्या के लिए जूते खरीदने हैं और खाने मुझे नहीं है, मतलब किसी को भी नहीं खाने हैं। तो मैं जा रही हूँ किचन में, थोड़ा सा खाना बनाना है। मतलब खाना बन गया है क्योंकि हमें गाजीपुर जाना था, तो खाना बन गया। और थोड़ा सा कुछ भी बनाना है, मीन्स आलू की टिक्की की, कुछ भी हल्का फुल्का, क्योंकि हम लोग गाजीपुर जाने वाले थे, हम नहीं जा पाए। शाम को जाएंगे तो सबसे पहले मैं फेस वॉश करती हूँ, मैं चेंज करती हूँ, मैं टिक्की बनाती हूँ या कुछ भी बनाती हूँ या कुछ नहीं बनाती हूँ, और फिर उसके बाद मैं गाजीपुर चलते हैं। बस अब कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाली इस ब्लॉग में। बंद करो कैमरा। मम्मा क्या कर रहे हो? खाना। मम्मी आप आईपीएल में कौन सी टीम सपोर्ट करते हो? अरे बेटा, पता चलेगा ना कि आईपीएल वाले हमारे चैनल को पकड़ के अपना स्पॉन्सरशिप देंगे, बोलेंगे इतना चर्चा तो किसी भी चैनल पे नहीं हो रहा है, वो भी जल्दी बोलो। सीएसके ना, सीएसके ना। अच्छा हाँ, तो अभी मैं बना रही हूँ। पापा पापा पता नहीं था पापा के बारे में, पापा की टीम आउट हो गई। पापा दल बदलू है, वो जिसको देखते हैं ना कि जी आज स्कोर कर रहे हैं, वो उसी की तरफ चले जाते हैं। नहीं, मेरे पापा का वो लखनऊ था, वो चला गया। हाँ, तो उनका मतलब कोई वो नहीं रहता है। और अभी भी जा रहा है। हे भगवान, मुझे लग रहा है कि वही तो फ्री में इतना आईपीएल का प्रचार नहीं हुआ होगा कहीं भी, अच्छा खासा पैसा लिया होगा लोगों ने तब जाके। शुभमन गिल। अरे बेटा कहाँ बा डंडा, वह डंडा 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 इसको देना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी, फिर मैं बनाऊँगी रोटी। और मैं टाइम बता दूँ तो 9:30 हो रहे हैं रात के, और बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा था आज। और मतलब आराम आराम से कर भी रही थी मैं, बैठ बैठ के टीवी देख देख के, बैठ बैठ के। तो यही होता है शाम को, सिंपल सा रोटी सब्जी, रोटी सब्जी, पूड़ी सब्जी, पराठा सब्जी, मतलब यही बनता रहता है। कुछ खास खीर सेवई बहुत टाइम से हमने बनाई, वैसे सेवई आई हमारे यहाँ बहुत सारी है ना रम्या। बट मम्मी तो इतना बोल रहे हो, आज पराठे बना दो, क्या बोलते हो मम्मी? सोचूंगी कल परसों फिर बनाऊंगी। कल परसों सोच रही ना, आज बना दो। मेरे यहाँ ना बहुत सारी सेवई आई हैं दिल्ली से, और बहुत सारा वो भी आया है बेकरी के जो बिस्किट टोस्ट होते हैं वो भी आया है, पता। हमने तो खा भी लिया बहुत सारा उसमें से, और मैंने सेवई अभी बनाई नहीं है, तो मैं किसी दिन बनाती हूँ, आप सबके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा तो मैं आप सबको एक परफेक्ट बताऊँ, मम्मी का जब शुभमन गिल का मतलब जब 100 पूरा होने वाला था, तो मम्मी 4 बार आई हैं, और जैसे ही वो आए तुरंत स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो गया 99 रन पे। अरे आईपीएल मम्मी 2.5 मिनट बाद फिर आई, मम्मी 2.5 मिनट बाद फिर आई, फिर उसने स्कोर किया, फिर मम्मी गई वो आधे छोड़े हुए बर्तनों को फिर धो के आई है मेरी मम्मी। तो ये है असली आईपीएल फैन। अरे भैया कहो तो नहीं कि कॉपीराइट मार, शक्ल कॉपीराइट ना मार दे वो लोग पकड़ के हम लोगों को। तो यहाँ पे मैं आलू शिमला मिर्च और प्याज की सब्जी बना रही हूँ, और ये रम्या की फेवरेट है आलू शिमला।
हाँ, और सब पराठे और फेवरेट है मेरे। और इसके साथ ना सूखा सूखा जैसे थोड़ा गाजर हो, गोभी हो, मटर हो, तो तब तो अरम्या पराठे से एक प्रमोशन कर देती है, पूड़ी पे आ जाती है। अरम्या को पूड़ी इसके साथ पसंद है अरु। हाँ। के बीच में वो नमकीन पराठे बना तू, कोई बात नहीं मैं हैंडल कर लूंगी। अरे भैया तीन बार कोई दे लू ना बनाए तो बेइज्जती है, उम्र लगातार हो जाए। चलिए मिलते हैं आप सबसे। हेलो, तो अभी जो है ये जो आप तोरई देख रहे हैं ना, ये वाला नेनुआ, ये हमारे घर का ही है, मतलब घर में जो आंगन में लगाया है वहाँ से निकाल के लाए हैं रम्या के पापा। तो इसकी कलौंजी बनाने का मन था बट आज बहुत ही ज़्यादा जल्दी है, कहीं जल्दी में रम्या के पापा को जाना है, तो इसलिए कलौंजी इसका मैं नहीं बना पाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ अभी ताजा है तो बन जाएगा, वरना ना क्या होता है कि थोड़ा सा भी मतलब ऐसे हो जाता है तो इसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आता है। तो कलौंजी किसी और दिन बना लूंगी, अभी फिलहाल मैं बना लेती हूँ इसकी सब्जी और साथ में बनाऊंगी रोटी। और खुद के लिए लौकी का जूस बनाने के लिए रखी हूँ, वेट कर रही हूँ लाइट का, जैसे ही लाइट आएगी वैसे मैं लौकी का जो है जूस वो बना लूंगी। और मम्मी के पापा बना रहे हैं जन्म समझा करो, बजा रहे हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया आजकल, इतना रील्स देख रहे हैं ना, दिन भर रील्स देख रहे हैं, या तो फेसबुक पे या तो इंस्टाग्राम पे। पहले नहीं देखते थे लेकिन अभी हम बहुत मतलब कुछ दिनों से खूब देख रहे हैं और सबकी वीडियो को लाइक करते रहते हैं। बोलते हैं जिनके कम लाइक होते हैं उनको तो मैं अक्सर ही लाइक करता हूँ ऐसा करके। तो किसको किसको पसंद है नेनुआ की सब्जी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इसको अच्छे तरीके से पहले छीलते हैं, उसके बाद आटा लगाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। और हम गाजीपुर आज नहीं जा पा रहे हैं, कल जाएंगे, तो मिलते हैं आप सबसे। तो इस तरीके से आप देखेंगे बहुत ही इजीली मतलब जो है वो लौकी का जूस निकल जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। एक तो गर्मी का सीज़न। हाँ ये देखिए ऐसे निकल जाएगा। अभी हमने यहाँ पे देखिए सारी तोरी जो है वो अच्छे तरीके से काट ली हुई है, यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे हमारी कढ़ाई जो है वो गर्म हो रही है, मैंने बड़ी वाली कढ़ाई यूज़ करी है, मैंने इसको अच्छे से धुल तो लिया है लेकिन जैसे बहुत दिनों से ये रखी हुई थी इसका यूज़ हम नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पर रम्या ने आज पूरी सफाई करी हुई है पूरे बेड की, बस ऊपर के धूल धूल मैं साफ़ करूँगी। रम्या पार्सल आता है ना तो मेरे से तो इंतज़ार नहीं हो पाता है। ये क्या है? कुर्ती है, ये ब्लैक कलर की कुर्ती एल साइज की। अरे मौसी की होगी ना, पूछना पड़ेगा मेरे सिस्टर लोगों से, क्योंकि मैंने ये वाली कुर्ती मुझे नहीं पता है कि किसी ने ऑर्डर करी थी या ऐसी कुर्ती वो लोग ऑर्डर कर सकती हैं। कुर्ती तो बहुत सुंदर है बट मुझे लग ही नहीं रहा है, पहले तो मुझे यही नहीं लग रहा है कि ये नया भी है, क्योंकि इसमें ना ये पुरानी कुर्ती है। ये देखो ए जी धोखा हो गई, ये देखिए ये कुर्ती ना इतनी दबाई हुई है, पहले ये देखिए आप OTP ना मंगला। हाँ देखिए पुरान कुर्ती आई बा, ये देखिए ना, ये देखने में ही लग रही है ये पूरी ना दबाई हुई कुर्ती है और फर्स्ट टाइम अमेज़न। तो ये रहा आज का खाना, तोरई की सब्जी, दही और ये आम का मीठा अचार और रोटी। और देखिए रूम में है एकदम अंधेरा क्योंकि सब लोग बस सो रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है मेरे घर में। ये रहा खाना, जगा रही हूँ। खाना
अब मैं अरम्या के लिए थाली लगा दूंगी। खाना बहुत ही सिंपल है और बर्तन धुलने बाकी हैं, तो मैंने सोचा कि मैं सबको पहले खाना पीना खिला लूँ तभी मैं बर्तन धोऊंगी। ये देखिए, ये दही अरम्या ने पहले ही खा लिया है और मैंने दिखाई भी थी पिछले वीडियो में दही कहाँ से आई हुई थी। तो अरम्या जो है वो लगातार पढ़ाई कर रही हैं और मैं भी खाऊंगी खाना, लेकिन खाना बना के ना तुरंत तुरंत गर्मा गर्म ऐसे खाया नहीं जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे लेट गई हूँ और मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। पता नहीं रह रहा है कि क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो ऐसा होता है कि गर्म गर्म तुरंत बना, तुरंत किचन से निकल के खाना खाया नहीं जाता है। तो 5 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी। देखिए मेरी प्यारी बिटिया रानी को पढ़ाई करने में लीन है, और अभी मैं खाना खाने के बाद आज बिल्कुल भी सोने वाली नहीं हूँ। मतलब बॉडी तो बोलेगी कि नींद चाहिए, आराम चाहिए, लेकिन खुद को बोलना है नहीं 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 नहीं। रीज़न बता रही हूँ क्योंकि बर्तन धुलने हैं और उसके बाद ब्लाउज़ की कटिंग करनी है और ये पूरा बेड जो है उसको क्लीन करना है। तो काम बहुत ज़्यादा है, समय बहुत अल्पकाल है, थोड़ा सा है। तो चल चल मुसाफिर चलते हैं अब एक नई राह पर।